And I'm not thankful for it. Hi guys, welcome back to the channel. और काफ़ी अच्छा दिन है आज, ठंडा और धूप वाला, बढ़िया, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है. तो आज आपको कोई घुमा के लाते हैं. जिस जगह का नाम है विस्लर. मैं पहली बार जा रहा हूँ विस्लर, पहली बार किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ. तो देखते हैं कैसा लगता है, कैसा रहता है सीन. तो गाइस, ट्रिप की शुरुआत ऐसे करते हैं कि हम गए कैसे थे. अब हम गए थे बस से. हमने देखी स्काईलिंक्स की बस, सबसे पहले वही विजिबल थी, तो हमने जल्दी जल्दी टिकट्स कर ली. 2 घंटे का आने और जाने का टाइम था. हमने राउंड ट्रिप करी थी तो हमें टोटल बिल हमारा $44 का बना. और यहाँ से सुबह 7 बजे चलती है बुराड स्टेशन से और 9 बजे विस्लर उतार देती है. वापसी का भी ऐसा. तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं, हम विस्लर पहुँच चुके हैं और ये है वो बस स्काईलिंक्स की जिससे हम आए हैं. तो गाइस, हमने बुक करे थे 5 डॉर्मेटरी बेड्स, जिसमें से हमारे 2 दोस्तों ने गोली दे दी थी हमें. उन्हें लास्ट मोमेंट पे हमने हमें मना कर दिया था, तो उसकी वजह से जो बिल था वैसे भी $200 का ही बना हुआ था. हमें सेम प्राइस पे एक ड्यूप्लेक्स रूम मिल गया जिसमें नीचे क्वीन साइज बेड था और ऊपर 2 सिंगल बेड्स थे, तो वो भी बहुत अच्छा रूम था. तो गाइस, अब हम बढ़ रहे हैं विस्लर विलेज की तरफ और वहीं से हम गोंडोला राइड्स लेंगे जिससे हम ब्लैको माउंटेन्स और पीक टू पीक का नज़ारा देखेंगे. तो आपको भी दिखाते हैं कैसे. तो अब शुरुआत करते हैं गोंडोला राइड की. और जैसे कि टिकट्स का सीन है वो $90 पर बंदे की है. इसमें हम पहले ब्लैको माउंटेन जाते हैं, फिर वहाँ से पीक टू पीक जाते हैं. पीक टू पीक का मतलब ये है कि एक माउंटेन की पीक से दूसरे माउंटेन की पीक तक. ब्लैको माउंटेन हम पहुंच चुके थे. अब यहीं से हमें पीक टू पीक वाला गोंडोला मिलेगा जहां पे बिल्कुल नीचे खाई होती है, बिल्कुल ज़मीन नहीं होती. तो बहुत ही सुंदर व्यू है, एकदम देखना. और यही वो व्यू है पीक टू पीक का जिसकी मैं बात कर रहा था. बिल्कुल नीचे खाई है. अभी तक मेरे दोस्त कह रहे थे कि पैसे वेस्ट करा दिए, लेकिन अब उनका मुंह एकदम चढ़ चुका है, एकदम बहुत खुश है वो मेरे से कि भाई हाँ, क्या जगह लेके आया है. पूरे $90 जो लगवाए हैं वो वर्थ लगवाए हैं मैंने. पीक टू पीक ख़त्म होने के बाद अब हम जा रहे हैं क्लाउड रेकर्स ब्रिज की तरफ, जो कि बहुत ही ऊंचाई पे और काफ़ी फेमस स्पॉट है. यहाँ का मेन जो एंड है इस गोंडोला राइड का वो वहीं पे होता है. उसके लिए हमें चेयर लिफ्ट यूज़ करनी पड़ेगी. थोड़ा सा हमें पहले चलना पड़ेगा, फिर चेयर लिफ्ट है. तो बहुत ही सुंदर व्यू है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाता हूँ. मैंने बहुत जबरदस्ती जिद करके मैंने ये भी बोला इनके कि $30 मैं दूंगा इनके. ये है वो ब्रिज जिसकी मैं बात कर रहा था. यहाँ से भाई बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिख रहे हैं. यहाँ से हमें विस्लर विलेज भी दिख जाएगा और वो बहुत ही नीचे है. मतलब ये अब फील होता है कि हम कितना आसमान की ऊंचाइयों में. भाई यहाँ तो इतना डर लग रहा था कि फ़ोन यहाँ से बीच में से नीचे गिर जाएगा, इसलिए मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया. इसी से व्यू का मज़ा ले लो. पीक टू पीक वाला ये वाली लाइन, ये जो है और उससे भी नीचे था ब्रो. सो वी आर हेडिंग बैक विस्लर विलेज की तरफ. बहुत ही ब्यूटीफुल था गाइस ये. Make it
फिसलर का, फिसलर विलेज का ओपन थिएटर, और यहाँ पर चल रही थी DDLJ, नहीं DDLJ नहीं, टॉम क्रूज की कोई मूवी चल रही थी, टॉप गन मैवरिक। और बढ़िया सीन लग रहा है यहाँ पे, काफ़ी काफ़ी अच्छी पब्लिक आ रखी है। तो हम जा रहे थे कूगर माउंटेन की तरफ, जहाँ पे एक लुमिना वैली है, काफ़ी लाइट शोज वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो उस बीच में हमें एक ग्रीन लेक मिली थी, तो ये भी आपको दिखाएंगे। उस वैली की एंट्री और $50 की यहाँ की टिकट से गाइस। ऐसे एक ट्रैक है माउंटेन्स के बीच में, जहाँ पे लाइट शोज होते रहता है, बीच में काफ़ी सारी लाइट चलती रहती हैं, जिससे हमें हिंट मिलता रहता है कि हमें जाना कहाँ है, और हमें ढूंढना एक ग्रैंडफादर और उसकी पोती को है, जो कि एंड में हमें डांस करते हुए मिल जाते हैं। तो उसी की ये वीडियो है, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छी लाइट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा सा बोरिंग है पर काफ़ी सुंदर था। और इसी के साथ हमारी ट्रिप ख़त्म होती है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइज़।